पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत करे मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी, नहीं तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सईद तजमुल कादरी। नाज़रीन, आप बखूबी वाकिफ है कि इस प्रोग्राम में हम एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करते हैं, वी टॉक बिजनेस, हम इकोनॉमी के हर उस शोबे की बात करते हैं जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप के, स्टार्टअप्स के, बिजनेस के बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद हों जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और बुनियादी मकसद यही है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, यूनिवर्सिटीज से, कॉलेज से, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जो बाहर आते हैं, उनको एक स्टार्टअप की तरफ, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रागिब किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप को अडॉप्ट करें। जैसा कि कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द फ्यूचर, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, बच्चे बाहर आते हैं यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, फिर वो वेट कर रहे होते हैं कि कब गवर्नमेंट से जॉब्स निकलेंगी, हम अप्लाई करेंगे और फिर हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और हम रोज़गार की सबील कर सकें। लेकिन उस ट्रेंड को अब बदलने की ज़रूरत है, बल्कि बहुत हद तक अब बदल भी चुकी है, और स्टार्टअप अब जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है जा रहे हैं और इसी की अब ज़रूरत है। और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद भी यही है। हर एक एपिसोड में हम जो है एक अलग जो है एक सेक्टर की बात करते हैं, मईशत को जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जीडीपी को जो कंट्रीब्यूट करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, हम उन्हीं की बात करते हैं। और आज भी हमने अपनी रवायत को बरकरार रखा है, आज हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे, और हैंडीक्राफ्ट्स में भी हम आज पोट्री, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में भी हमारा एक गैलेक्सी ऑफ आर्ट्स है, तो आज हम उसमें से भी दो स्पेशल क्राफ्ट्स को, आर्ट्स को निकाल के लाए हैं। आज हम पोट्री और पेपर मैशी की बात करेंगे, और हसब रवायत जैसे हम करते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम दावत देते हैं मेहमानों को इस मौजू पर बात करने के लिए। आज भी हमने दो खास मेहमानों को दावत दी है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बिल्कुल तशरीफ़ फरमा है, बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले इन्हीं का आपसे तारुफ कराता हूँ। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहसिना इरशाद साहिबा, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट की। मोहसिना जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। और हमारे साथ है सैयद अमजद अली साहब, ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। नाज़रीन, इनका एक एस्टैब्लिश्ड यूनिट है जो ये सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, पेपर मैशी का। ये अपनी आगे जो इनकी सक्सेस की स्टोरी है ये खुद ही नरेट करेंगे आपसे। अमजद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के शो में। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने गेस्ट से बात करें, हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, आपको पता है, हम पहले एक सेगमेंट चलाते हैं, एक फिल्म चलाते हैं, एक कैप्सूल छोटा सा हमारी जो बिजनेस बज़ की टीम ने तैयार किया हुआ होता है, जिसमें हम स्नैरियो देने की, ओवरऑल जो पस मंज़र है देने की कोशिश करते हैं उस सेक्टर की जिसकी हमें बात करनी होती है। तो आज जाहिर है आज हम पोट्री और पेपर मैशी की बात करेंगे, तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिजनेस बज़ की टीम से कि वो ये सेगमेंट चलाए, उसके बाद हम सीधे मेहमानों के पास आते हैं। कारीगर अपने हुनरमंद हाथों से वादी की शिनाख्त को तश्कील देते आए हैं। वो नफीस गुलदानों से लेकर रिवायती खानों के बर्तनों तक सब कुछ तैयार करते हैं। मगर इन दस्तकारियों की खूबसूरती के पीछे एक कहानी है जो बर्दाश्त और तब्दीली की अकास है। दोनों शोबों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश जारी है। हुकूमती स्कीम में जिसे आर्टिजन क्रेडिट कार्ड और क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हजारों कारीगरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दस्तकारियों को फरोग देने की कोशिशें एक नई उम्मीद फराहम कर रही है।
चूंकि कश्मीर में सयाहत एक अहम सन्नत है, हुकूमत रिवायती दस्तकारियों जिनमें मिट्टी के बर्तन और पेपर माशी शामिल है को सयाहत के शोबे से मुंसलिक करने की कोशिश कर रही है। मिट्टी के बर्तन और पेपर माशी के सामान अक्सर सयाहती मराकज जैसे श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग में नुमाइश और फरोख्त किए जाते हैं। दस्तकारी का शोबा जिसमें मिट्टी के बर्तन और पेपर माशी शामिल है, जम्मू कश्मीर के जीडीपी का तकरीबन 5-6% हिस्सा फराहम करता है और पेपर माशी की सनद इसका एक अहम हिस्सा है। ये मसनुआत अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और मशरकी वस्ता की आलमी मंडियों में फरोख्त होती है। गुज़श्ता 20 सालों में दोनों शोबों में कारीगरों की तादाद में नुमाया कमी आई है, क्योंकि ज्यादा मुस्तकम या बेहतर अदायगी वाले शोबों में हिजरत की गई है। ताहम पायदार और हाथ से बनाए गए मसनुआत में बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ मिट्टी के बर्तन और पेपर माशी की बहाली के लिए मुस्तकबिल में मौके मौजूद है। ये थी बिजनेस बज़ डेस्क की एक खास पेशकश। नाज़रीन फिर से आपका इस्तकबाल है। अब हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। मोहसिना जी, एक वक्त था बिल्कुल कल्चरल और ट्रेडिशनल एक इम्पॉर्टेंस है इन दोनों ट्रेड्स की, जब हम बात करते हैं, जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं, एक वक्त था ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था हमारे किचन का, हमारी लाइवलीहुड का, रोज़मर्रा ज़िंदगी का। बहुत कम हो गया है, हालांकि उसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। पिछले कुछ अरसे से आप भी डिपार्टमेंट में हैं, कहाँ देखते हैं आप पोल्ट्री की जब हम बात करते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पॉटरी वन ऑफ द मोस्ट नोन क्राफ्ट्स था हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का, बट एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहा है 5 साल से। बट अभी अगेन वी आर रिवाइविंग, हमारा एक लैंग्विशिंग क्राफ्ट का एक कैटेगरी आता है, उसमें कई सारे क्राफ्ट्स होते हैं जिसमें वी कुड पुट पॉटरी एज ए क्राफ्ट। बट देन देर लॉट ऑफ स्कीम्स जो डिपार्टमेंट ने, लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स जो हमने लिए हैं लास्ट 4-5 ईयर्स से, जिससे ये वापस से रिवाइव हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट विच आई कैन मेंशन इज कारखानदार स्कीम, जिसमें आप एक कारखानदार यूनिट सेटअप करते हैं विद एन आर्टिजन हु इज वेल इन नो हाउ विद दी क्राफ्ट, और वो अपने अंडर फिर नई जनरेशन में या जो लोगों ने छोड़ दिया है क्राफ्ट उनको अपने अंडर लेता है, ऑलमोस्ट 10 in number, उनको वो दोबारा से सिखाते हैं ताकि दोबारा से ये रिवाइव हो जाएं ये जो क्राफ्ट्स हमारे, जिनको हम लैंग्विशिंग क्राफ्ट बोलते हैं। तो पॉटरी इज वन ऑफ देम। ऑल्सो टू मेंशन, लास्ट ईयर 2023 में हम लोगों ने एज डिपार्टमेंट पॉटरी, ग्लेज्ड पॉटरी या पॉटरी का जो साख्ता मेकिंग होता है, इन सबको रिकॉग्नाइज किया अंडर हैंडीक्राफ्ट, जो पहले नहीं हुआ था। दे वर नॉट इवन रिकॉग्नाइज एज ए क्राफ्ट बाय द डिपार्टमेंट। तो अंडर द नोटिफिकेशन नाउ वी रिकॉग्नाइज देम एज क्राफ्ट, और इनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से। वी नाउ हैव आर्टिजंस हु रजिस्टर देमसेल्व्स एज पॉटर्स। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था जो डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया। देन अगेन ग्लेज्ड पॉटरी को लेके काफ़ी इश्यूज थे, दैट वेदर वी शुड रिकॉग्नाइज दैट एज हैंडीक्राफ्ट, अगेन वी हैव डन दैट। एंड उसको लेके काफ़ी मार्केटिंग का हम लोगों ने देखा स्कोप है उसमें, एंड पीपल डू परचेज ग्लेज्ड पॉटरी बिकॉज बिकम्स अ लिटिल बिट आई कैचिंग है आपका, थोड़ा सा उसमें कलर आ जाता है, तो वो भी है। एंड देन ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल कंसीडरेशन आर ऑलवेज, उस पे मैं आगे आपसे बात करूंगा। आप जो बोल रहे बड़ा इंकरेजिंग है, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर हमारे साथ बैठे सैयद अमजद अली साहब। अमजद साहब, आप मोस्टली क्या होता है हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कि जो आर्टिजन का बच्चा होता है वो फिर बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं आर्ट करना है, क्योंकि इतना सस्टेनेबल नहीं है, रिटर्न्स अच्छे नहीं है। हालांकि कुछ बिल्कुल जेन्युइन भी है बातें, लेकिन आपने एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाने की सही की, आपने कोशिश की और आप सक्सेसफुली रन भी कर रहे हैं। आपका पेपर मैशी का आप यूनिट है, कैसे बनाइए, क्या आपको विरासत में मिला था ये, या आपने इसको ऑप्ट किया कि मुझे पेपर मैशी करना है? नहीं, हुआ ऐसे कि मैं लगभग 10-15 साल का था जी, तो मुझे ये आर्ट अच्छा लगा, तो मैंने स्टार्ट किया। मैं गया जो इसके उस्ताद थे जी, मैं उनके पास गया, तो मैंने सिखाई आर्ट। तो ये आपकी फैमिली में नहीं था? मेरी फैमिली में नहीं था। तो मैंने स्टार्ट किया ये काम, तो बहुत सारे लोग बोलते थे तो आपने क्या काम किया ये, मतलब ये खत्म हो गया ये आर्ट, आप क्यों? पढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मैं उससे मैं परेशान भी होता था उन बातों से, और तो मैंने सोचा कि अब मैंने ये
स्टार्ट किया ये काम जी, तो मैं इसको अब करूंगा, देखेंगे क्या हो जाता है आगे। तो मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे मुश्किलात भी आए मेरे। कितने साल स्टार्ट? लगभग 35 to 40 ईयर। ओके। तो मैंने फिर मैंने एक काम किया मगर बहुत परेशानियां हुई, मतलब पैसों के लिहाज से दूसरे कुछ। तो मैंने ये नहीं छोड़ा कि मैं करता रहा ये काम। तो 10-12 साल तो मैंने सीखा अच्छी तरह से और मैंने किया ये काम। इसमें आता था पहले जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें, तब ये स्टार्ट होता था कि इसमें रेल गोल्ड का काम होता था पहले उस टाइम। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, जो ओरिजिनल पेपर मशीन थी उसमें रेल गोल्ड आता था, इसमें उसका काम होता था। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। तो मैं कह सकता हूँ मैं बहुत अच्छा आर्टिजन बना। तो मैं मतलब कोशिश की मैंने अच्छा बनने की। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि मैं कामयाब हो गया उसमें। तो मैंने फिर स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। मैंने घर में मैं काम करता था तो घर से मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको और कारीगरों को जोड़ा, जो मतलब उस टाइम 20 साल के थे, 15 साल के थे, 5-10 आज भी आपके साथ जुड़े हुए। हाँ जी। तो उनको भी सिखाया मैंने। उसमें से बहुत सारे जो नेशनल अवार्डी भी है जी। ओके। उस पे मैं आगे आपसे बात। मोहसिना जी, मोस्टली हमारे यहाँ यही होता है कि जो आर्टिजन है उसकी हम चाहते क्या है, हम इस प्रोग्राम में ये चाहते हैं कि जो बच्चे देख रहे हैं, जो यूथ हमारा देख रहा है, वो आए आर्ट की तरफ, इस पोट्री की तरफ, इस पेपर मैशिंग की तरफ आए। और साथ ही साथ ये भी हम ही बोल रहे हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो मायूस है, वो कहते हैं कि क्या वजह रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि जो आर्टिस्ट है हमारे, मैं अपनी पर्सनल भी जब एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं बाहर पढ़ाई किया हुआ है तो वहां पे लोग दो दो हाथों लेते हैं कश्मीर की चीज को, लेकिन आर्टिस्ट तक वो सारे रिटर्न्स, वो बेनिफिट्स क्यों नहीं पहुंच पा रहे। आप डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डिपार्टमेंट इस समत में क्या कर रहा है? देखिए, इशू एरियाज तो काफ़ी सारे हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वेजेस, जो आर्टिजन्स को इवेंचुअली एंड पे मिलता है, जो हमारा ग्राउंड लेवल आर्टिजन है वो बहुत कम रहता है। मिडिल मैन का रोल हमेशा इस क्राफ्ट में रहा है जिसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है। एज डिपार्टमेंट इफ यू आस्क मी, हम लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव्स तो रहे हैं डिपार्टमेंट की साइड से, काफ़ी स्कीम्स रही हैं। आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो डिपार्टमेंट रन करते हैं, हैंड होल्डिंग बिल्कुल आर्टिजन की फ्रॉम ग्राउंड लेवल होती है। पहले तो हम ट्रेन करते हैं आर्टिजन को किसी भी क्राफ्ट में, जैसे पेपर मशीन के हमारे लगभग 8 ट्रेनिंग सेंटर्स इस वक्त डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में रन हो रहे हैं। तो वहाँ हम सिखाते हैं पहले ये क्राफ्ट की पेपर मशीन करना कैसे, हमारे मास्टर ट्रेनर्स होते हैं जो सिखाते हैं। उसके बाद जब एक बार एक बच्चा 2 साल हमारे से ट्रेनिंग लेता है डिपार्टमेंट से, जिसमें हम लोग एक स्टाइपेंड पे करते हैं डिपार्टमेंट 2000 रुपए का, यहीं से हम लोग उसको बच्चे को सीखने के लिए देते हैं। फिर आपकी वो बिल्कुल लोकल एरिया में होता है, लोकेलिटी में होता है। उसके बाद जब आप एक बार सीख के निकलते हो, देन द डिपार्ट यू कैन अगेन कम टू डिपार्टमेंट। आप या तो हमसे क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको हम लोग 2 लाख रुपए का मिनिमम लोन प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट, जिससे आप अपना खुद का यूनिट एस्टैब्लिश कर सकते हो। या तो आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो जिसमें आपको एक कैश इंसेंटिव मिलता है 1 लाख रुपए का। आप 10 लोगों का ग्रुप आकर हमारे पास एक सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हैं, वैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना यूनिट। या तो आप प्रॉपर एक यूनिट रजिस्ट्रेशन हो सकती है अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो वो भी है, देयर इज एन ऑप्शन विद द डिपार्टमेंट। सो ऐसी कई स्कीम्स हैं जो सिस्टमैटिकली हमारा बिल्कुल हैंड होल्डिंग करते हैं आर्टिजन्स का। बट इशू एरियाज जो आप बोल रहे हैं, ये तो चलो डिपार्टमेंट का स्कीम है, ऑन ग्राउंड हमारा इशू एरिया ये, जैसे पेपर मशीन है एक ऐसा क्राफ्ट है जो आपका घरों में होता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इसको एक इस क्राफ्ट को आर्टिजन्स को कहीं एक जगह जमा करके उनको सिखाएं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, बिकॉज ये बहुत इसमें मिनिमम रहता है इसका। इवेंचुअली आपका जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसका कॉस्टिंग जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ऑफकोर्स जो आपका वेजेस प्रोवाइड होता है आर्टिजन को, दैट्स ऑल्सो वेरी लेस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका मार्केटिंग जो जितना इंक्रीज होगा उतना इसका मार्केटिंग पे बात करेंगे। अमजद साहब, आप मुतमईन हैं, आप खुद के लिए रोजगार कमा रहे हैं, एक अच्छा खासा यूनिट रन कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। जो यूथ है, जो जिनको जिनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज में ये ट्रेड था, ये क्राफ्ट था और वो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनमें, बल्कि कहा यह भी जाता है ना, कुछ चीजें खून में आ जाती है, उनके खून में है, लेकिन वो क्राफ्ट जो है कहीं ना कहीं मर रहा है उनके अंदर, ऐसे नौजवानों को आप क्या कहेंगे, वो कैसे आए इस तरफ? उसमें गवर्नमेंट का बड़ा हाथ जी, मतलब वो कर सकते हैं ये काम जी, क्योंकि सब चीजों में चेंजेस आई है।
मतलब जो आज के यूथ हैं वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे, जो जो पहला जो आर्टिजन है वो बैठता था नीचे और वो काम कर रहा था जी, जो आजकल की यूथ है वो ऐसे काम नहीं करेगी ओके, कि वो कमरे में बैठ के दिन भर काम करेंगे। इसमें थोड़ा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें यूज करनी है जी, इसमें क्या है कि मतलब इसमें एक टूल्स बनने चाहिए, गवर्नमेंट कर सकती है, मतलब एक चेयर लेना चाहिए, एक टेबल लेना चाहिए जी, तो उस पर ये काम हो सकता है जी। तो जो यूथ हैं वो इससे इम्प्रेस हो जाएगी कि वो ये काम करेंगे। और दूसरा मार्केटिंग का मसला है, मार्केटिंग इसमें हमारे लकीली हमारे इस श्रीनगर सिटी को यूनिसेफ ने क्राफ्ट सिटी का जी, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे सिटी के लिए तो ये और क्राफ्ट के लिए। तो अगर इसमें गवर्नमेंट थोड़ा भी इसके एडवर्टाइजमेंट करेंगे और इस आर्ट को प्रमोट करने के लिए डेमोंस्ट्रेशन बाहर के मुल्कों में करेंगे एग्जीबिशंस और आर्टिजनों को लेके ये प्रोडक्ट कैसे तैयार होता है, बहुत अच्छी बात। इसकी इसमें इतनी प्रोसेस है कि मतलब मेरे पास एक इटली का एक ग्रुप आया था जी, तो जब उनने प्रोसेस देखा 3 दिन वो मेरे पास थे जी, तो उनने जब देखा ये पेपर मैशी का प्रोसेस कितना लंबा है, लंबा है जी, तो इसमें कितने काम है जी, तो वो मुझे दिन में 4 बार गले लगाते थे कि आपको आपके पास कितना सब्र है जी, आपके पास कितना पेशेंस है। वो परेशान हो गए कि आप कैसे करते हो ये काम, ये बहुत पेशेंस का काम है। तो इसलिए मतलब अगर इसके मतलब पूरे दुनिया में इसमें अगर डेमोंस्ट्रेशन एग्जिबिशन अलग जी, डेमोंस्ट्रेशन ये काम कैसे हुआ, कैसे होता बस जी, इतना जी, अगर ये हो जाएगा ना तो पूरे वर्ल्ड की ये अट्रैक्शन इस आर्ट की तरफ जाएगी। ओके मोहसिना जी, एक तो ये बात इन्होंने सुनी, उससे मैं उसके बारे में आपका मैं रिस्पॉन्स चाहूंगा। दूसरा ये कि सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया है ओवर द ईयर्स। अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में बहुत बदल गया है सिक्योरिटी वाइज। अगर हम देखेंगे इजीली मूवमेंट कर रहा है, टूरिस्ट आ रहा है, बहुत सारा कस्टमर आ रहा है, डाउनटाउन भरा हुआ होता है, बल्कि अब तो कई सारे लोगों ने अपने घरों को भी रेस्टोरेंट्स में और लॉजेस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये अच्छी बात है। ये एक हेरिटेज सिटी जब दिया इसको, क्राफ्ट सिटी जब बनाया इसको, हमारे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है। इतना क्राफ्ट है और डाउनटाउन में ही है सबसे ज्यादा क्राफ्ट, मेरे ख्याल से अगर हम कश्मीर की बात करें तो डाउनटाउन में ही है। इस डायरेक्शन में डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पहले तो अमजद साहब ने जो बोला मैं कम्प्लीटली इसे अग्री करती हूँ कि रिस्पेक्ट फॉर द आर्टिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्राफ्ट्समैन, कि वो जो काम कर रहा है एक तो उसके लिए एक हमें एक इज्जत होनी चाहिए कि कितना मुश्किल है ये काम। मतलब आई मीट माय आर्टिजन्स ऑन ग्राउंड और तब यू रियलाइज व्हेन यू सिट विद देम कि कितना हार्ड वर्क का काम है, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि वैल्यू क्यों है इस क्राफ्ट का इतना। लाइक इट शुड नॉट बी देयर। मुझे बहुत डिसरेस्पेक्टफुल लगता है अब अगर हम हैंडीक्राफ्ट का कोई आइटम परचेज करने जाते हैं, हम बोलते हैं इसको क्यों इतनी कीमत है। वो कीमत इसीलिए है क्योंकि पीछे किसी का हार्ड वर्क है या हाथ से किया गया काम है, इसमें किसी की आईसाइट चली जाती है हमारे कई सारे आर्टिजन्स की, इतना बारीकी का काम है ये। तो वो एक रेस्पेक्ट होना चाहिए क्राफ्ट्समैन के लिए जो ये बना रहा है एट द फर्स्ट प्लेस, एंड ऑल्सो ये वैल्यू समझना है इस क्राफ्ट का ऐसा क्यों है, तभी शायद मार्केटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। बिकॉज डिवैल्यूएशन की वजह से ही हमारा मशीन मेड क्राफ्ट इतना ज्यादा यहाँ पर बिकता है या एक्सपोर्ट होकर आता है। सो अबाउट योर अनदर थिंग जो आपने पूछा कि इम्प्रूवमेंट इन सिक्योरिटी सिनेरियो एंड इंक्रीज इन टूरिज्म, सो डेफिनेटली उसे काफी इंप्रूवमेंट हो गया है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को। आपके जितने भी इवेंट्स पिछले कई सालों में कश्मीर में, जैसे G20 हमारा एक मेजर इवेंट हुआ जो कश्मीर में हुआ बिकॉज देर वॉज एन इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिनेरियो, जैसे आपने राइटली पुट किया, तो उसकी उसमें हैंडीक्राफ्ट का एक प्रॉपर एग्जीबिशन था जो वहाँ चला, जिसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया पूरे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल में। आपके बहुत सारे जो बाहर से लोग आए थे उन्हें परचेज किया, उनके साथ हमारे टाई अप हो गए हमारे आर्टिजन्स के, बहुत ऑर्डर्स रिसीव किए हमारे आर्टिजन्स ने। एंड देन आपके जितने भी तब से इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का विजिट था या इस वक्त एज ऑन डे जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो अभी कश्मीर मैराथन एक इवेंट हो रहा है, हर जगह आपका हैंडीक्राफ्ट का एक एग्जीबिशन लगता है जहां पर हम लोग, हाँ जो भी आ रहे हैं विजिटर्स डेफिनेटली वे आर कंप्लीटली ऑन इट कि हमारा आर्टिजन को बेनिफिट हो, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। अमजद साहब, ये जो आर्ट लवर्स होते हैं ये कहीं से भी पहुंच जाते हैं, इनको पता है हमें कहां से लेना है, तो क्या आपको फॉरेन से भी ऑर्डर्स मिलते हैं, वहां से भी लोग आपको कॉन्टैक्ट करते हैं? बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, बहुत सारे मतलब हमारे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं हमारे प्रोडक्ट्स देखते हैं जी। तो बहुत सारे मतलब क्योंकि आर्ट लवर दुनिया में जी बिल्कुल,
सिर्फ उन तक पहुंचना है हमें। ओके बस इस पे काम कर रहा है। ओके तो बताइए ना बच्चों को क्या करें, कैसे पहुंचे उन तक। वही तो अभी 35 साल का एक्सपीरियंस है, आपसे अच्छा नहीं मिल सकता। वही तो मैं कह रहा हूं कि इसमें हमें एक तो हमें जो अभी सोशल मीडिया है तो ये इस्तेमाल करना चाहिए जी। क्योंकि इससे इसके थ्रू हर जगह पहुंचती है जी। और डिपार्टमेंट को एक बड़ा सा एक वेबसाइट खोलनी चाहिए उसमें हर प्रोडक्ट की मतलब स्टार्टिंग से एंड तक वो दिखाना चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट कैसे कैसे बना, रॉ मटेरियल से एंड प्रोडक्ट तक। ओके तो ये भी एक प्लस पॉइंट होगा इस आर्टिजन के लिए। और एक मैगजीन निकालनी चाहिए डिपार्टमेंट को। बहुत वैल्यूएबल सजेशंस दे रहे हो आप। उसमें हर आर्टिजन की एक फोटोग्राफ लगनी चाहिए, उसका फोन नंबर एड्रेस जी, तो ये किस क्राफ्ट से जुड़ा हुआ है जी। तो जो आर्ट लवर हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे इसके साथ जी। ये क्या होता है जो मिडल मैन, मैं भी एक किस्म का मतलब मानो मिडल मैन ही बन गया जी, कि मैं आर्ट मेरे साथ हमारे साथ बहुत सारे लगभग 200 के करीब आर्टिजन जुड़े हुए हैं, 200 से ज़्यादा। तो हमारे जो हमारे यूनिट में है वहाँ वो लगभग 20-25 आर्टिजन काम करते हैं। ओके तो मैं भी उनमें से एक आर्टिजन हूँ जी। मैं अपने आप को एक आर्टिजन, ये मैंने एक मान रहा हूँ कि मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं भी एक आर्टिजन हूँ जी। तो मैं प्राउडली ये कह रहा हूँ, प्राउडली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी ने सब कुछ दिया है जी। जो ये आर्ट है उसने मुझे सब कुछ दिया जी। मैं बहुत लव करता हूँ इस आर्ट को। तो अब क्या है कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो स्कूलों में, अगर स्कूलों में ये इसको ना सेव करने के लिए जी। एक आर्टिस्ट एक पोस्ट रखना चाहिए जी। जो जो बच्चों को जो मतलब ये क्या है कि आपने पहले कहा था कि ये बॉर्न आर्टिज़न होता है, मतलब या खून में उसको ट्रांसफर होता है जो उसका बच्चा होता है, तो ये ख़त्म हो गया, वो खून भी भूल गया कि मेरा बाप आर्टिज़न था तो मैं नहीं। वो नफरत करता है इस आर्ट के साथ क्योंकि वो बोलता है कि मुझे इसने कुछ नहीं दिया। तो अब क्या है कि अगर ये स्कूल में इसका एक ट्रेंड होगा कि बच्चों को एक एक हफ्ते में एक ही घंटा डिफरेंट क्राफ्ट सिखाएंगे इनको ये आर्ट क्या है। ये जो आप कह रहे हैं ये यूरोप में हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं वही है। आप ये बहुत वैल्यूएबल सजेशंस दे रहे हैं, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। मोहसिना जी, ये जीआई टैग भी मिला इसको पोट्री को, इसको किसको, पेपर मैशी को। पेपर मैशी अब यूरोपियन मार्केट्स में पहुंच गई, यूएस, जर्मनी, यूके, ऐसी जगह पे पहुंच गई। लेकिन जो हमारा आर्टिस्ट है जिसने बनाया, जिसने खून पसीना और आंखों की लाइट खत्म कर दी अपनी ये करते करते, क्योंकि ये आर्ट है, चाहे पोट्री हो और चाहे आपका पेपर मैशी हो, ये आर्ट है। तो उस तक वो उसके वो रिटर्न्स जब आते हैं वापस वहां से लौट के, जो पैसा आता है उसके पास कम क्यों पहुंचता है? एक्चुअली डायरेक्ट लिंकेज मार्केट के साथ नहीं था आर्टिजन का पहले, बट अभी अगर आप देखेंगे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इसमें कुछ नहीं कर रहा डिपार्टमेंट, डेफिनेटली कर रहा है। आप देखिए हमारा राउंड द ईयर एग्जीबिशंस चलती हैं, विच इज जस्ट आर्टिजन को डायरेक्टली हम लोग बायर के साथ मीट करवाते हैं, हमारे बायर सेलर मीट होते हैं। आपका JKTPO एक नया डिपार्टमेंट खुला है, ओनली रीजन इज प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड आर्टिजन्स को रजिस्टर करके डायरेक्टली हम लोग एक्सपोर्टर्स जो भी हैं उनके साथ उनको मिलवाएं। तो वो एक मेजर काम रहा है इस हिसाब से। बाकी एग्जीबिशन हमारे राउंड द ईयर तो होते ही थे हमेशा से, बट इसके अलावा अगर आप मुझे पूछेंगे, आई हैव अ नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज जहां पर किसी इंडिविजुअल लड़की ने जिसने हमसे ट्रेनिंग लिया, उसने सोशल मीडिया पे एक नॉर्मल इंस्टाग्राम पे जैसे फॉर इंस्टेंस एक पेज बनाया एंड नाउ एज ऑन डेट उसका पहले अपने डिस्ट्रिक्ट से ऑर्डर्स आते थे, फिर श्रीनगर से, फिर कश्मीर से, एंड नाउ शी इज इंडिया से, और अब इंटरनेशनल ऑर्डर्स उसको रिसीव हो रहे हैं। एंड ऐसी कई सक्सेस स्टोरीज हमारे डिपार्टमेंट में हैं। यंग बच्चे जो आई नो वन ग्रेजुएट फ्रॉम लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम शुपियन, बिकॉज आई हैड डिस्ट्रिक्ट शुपियन का भी चार्ज, उसने कुंगपोजरी नाम का एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, एंड राइट नाउ शी इज 20K फॉलोवर्स, शी रिसीव्स ऑर्डर्स इंटरनेशनली, इतना उसने प्रोग्रेस किया है। शी इज अ 23 ईयर ओल्ड लड़की। देन अगेन वी हैव पॉटरी में वी हैव एक लड़का उमर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ओनली, जिसने अपना, उसके फादर ऑलरेडी इस क्राफ्ट के साथ लिंक थे, बट उसने शिफ्ट करके ग्लेज्ड पॉटरी को परस्यू किया। उसको हमने कारखाना यूनिट भी पहले दिया हुआ है, और एज ऑन डेट अगर देखेंगे ही रिसीव्स ऑर्डर्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, एंड ही इज
वर्किंग वेल फॉर हिमसेल्फ, ही इज अर्निंग लाइवलीहुड. तो ऐसी कई सक्सेस स्टोरीज हैं डिपार्टमेंट के साथ जहां आर्टिजन को हमने डायरेक्टली लिंक किया है टू बायर्स, बिकॉज अब वो टाइम्स रहा नहीं कि यू नीड अ फिजिकल शोरूम जहां उसके एंड यू नीड दैट अमाउंट ऑफ बजट. इट्स ऑल डिजिटलाइज नाउ, तो इट्स वेरी इजी. एंड जहां तक इन्हें मैगजीन्स वगैरह की बात की, हमारे डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने सर ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले, जैसे क्राफ्ट सफारी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स, जहां हम लोग ने डायरेक्टली हमारे जो टूरिस्ट थे या बाहर से विजिटर्स थे उनको हमने आर्टिजन के घर लिया, वहां बिठाया, वहां उन्हें देखा ये क्राफ्ट बनता कैसे है. और इट वाज इन डाउनटाउन की बिल्कुल अंदर की गलियों में जहां हमारे आर्टिजन्स हैं, डल लेक के अंदर से जहां पेपर मेशी का एक्चुअली क्राफ्ट पनपता है, वहां हम गए हैं शिकाराज में, हमने उनको वहां लिया है और दिखाया है क्राफ्ट कैसे ये लोग आर्टिजन्स करते हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करता है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे होते हैं जहां पर हमारा टारगेट ऑडियंस होता है ये यंगस्टर्स, उनको हम क्राफ्ट की तरफ लाएं, स्किल इंपार्टिंग हो. एंड आई अग्री कि स्कूल्स में स्किल का एक स्किल इंपार्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जहां कैच दम यंग जो हमारा आइडिया है कि एक तो उससे बच्चों को एक रिस्पेक्ट भी, बिल्कुल हमारे एक तो रिस्पेक्ट डेवलप होगा क्राफ्ट के लिए बच्चों का और प्लस उनमें स्किल आ जाएगा. एंड देन बहुत सारे बच्चे इसको परस्यू करेंगे. लाइक अभी मेरे ट्रेनिंग सेंटर्स में बहुत सारी लड़कियां ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स हैं, पीएचडीज हैं जो ये क्राफ्ट परस्यू कर रहे हैं. सो डेफिनेटली अगर स्टार्टिंग से ही एक नोहा हो क्राफ्ट का तो वो फर्दर परस्यू करना बहुत इजी रहेगा लोगों के लिए. बहुत अच्छी बात है. ये एक मौजू बहुत लंबा है लेकिन मुझे कमांड दिया जा रहा है ऊपर से कि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं. एक मिनट में अमजित साहब आपको देना चाहूंगा, यूथ को मैसेज दीजिए. हमारा यूथ आपको पता है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड. उनको बस एक डायरेक्शन, एक सही समत देने की जरूरत है एज एन आर्टिजन और एज एन एक्सपीरियंसड हैंड इन दिस पेपर मैशी. क्या कहेंगे आप हमारे नौजवानों को, कैमरा इधर कैमरा में देख के बताइए कैसे आए वो इस आर्ट की तरफ, इस क्राफ्ट की तरफ. पहले तो उनको एक तो पढ़ाई करनी है, तो दूसरे इस आर्ट की तरफ जाना है. तो वो अगर वो स्टार्ट करेंगे तो माशाल्लाह मेरा फ्यूचर जैसे ब्राइट है उनका भी फ्यूचर ब्राइट होगा. तो मगर इसकी तरफ आए, जिस जिसको इसका शौक है, आर्ट का शौक है, वो इस तरफ आए और ये सीखे. अगर हमारे पास भी आएंगे तो हम सिखा देंगे उनको बहुत अच्छी तरह, तो उनका फ्यूचर स्क्वायर होगा, कोई परेशानी नहीं होगी. बहुत अच्छी बात है. मोहसिना जी, आपका मैसेज हमारे यूथ के लिए. मैसेज यही रहेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का यही मेन मकसद है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और रिवाइवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हो. तो बहुत सारी स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट की जिनको लेकर डिपार्टमेंट कॉन्स्टेंटली वर्क करता है. आप हमारे पास आएं, उन स्कीम्स का फायदा उठाएं, वो आप ही के लिए हैं. अपने बिजनेस यूनिट्स एस्टैब्लिश करें. गवर्नमेंट जॉब्स का टाइम खत्म हो गया है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिजनेस एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर वर्किंग फॉर. आप लोगों के लिए ही है ये सारी स्कीम्स. आप लोग इन स्कीम्स का फायदा उठाएं, अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करें, अपने कल्चर को बढ़ावा दें, अपनी हेरिटेज के लिए काम करें. एंड ये दोनों तरफ से आपके लिए एक फायदा है. एंड जैसे इतने आर्टिजन से मैं मिली हूँ, वो लोग बोलते हैं ये हमारे इबादत है हमारा क्राफ्ट. तो इट हैज मल्टीपल वेज एंड आप प्लीज वो सारा परस्यू करके उन परस्पेक्टिव से इस क्राफ्ट को परस्यू करें एज ए करियर ऑप्शन. ओके मोहसिना जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अमजित साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे यूथ को.